भागलपुर के पीरपैती से भाजपा विधायक ललन पासवान ने धार्मिक मान्यता पर एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। धार्मिक मान्यताओं का हवाला देने वाले बीजेपी के विधायक ने खुलकर धार्मिक मान्यताओं का विरोध किया है, जिसके बाद उन पर बयानबाजी शुरू हो गई है। पीरपैती विधायक ललन पासवान ने अपने बयान में कहा है कि अगर मुस्लिम लक्ष्मी को नहीं मानते तो क्या वो करोड़पति अरबपति नहीं है। माँ के मृत्यु के पश्चात श्राद्ध कर्म के भोजन को पूर्ण रूप से समाज के धार्मिक कुरीति कहकर उसे समाज से बहिष्कृत करने की गुजारिश की है और खुद उन्होंने अपनी माँ के मृत्यु भोज जैसी हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं का खुलकर बहिष्कार किया, जिसके बाद ललन पासवान एक बार फिर से सुर्खियों में है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ठीक है। लोग जब तक मान रहे हैं ना कि आत्मा परमात्मा जब तक माने तभी तक इसके चक्कर में, जब मानना छोड़ देंगे उनके अंदर जो बौद्धिक उनकी जो क्षमता बढ़ेगी, जब वो माने मान्यता के बजाय अपने जो तर्क अपने तर्क शक्ति से जब जोड़ेंगे किसी को तर्क के कसौटी पर, जब उनकी सोच वैज्ञानिक होगी, जब उनकी सोच सामाजिक होगी, तो खुद आपके तरह संजीव भाई की तरह हमारी तरह वही बन देंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अब मान्यता है कि सरस्वती विद्या की देवी है, अब मुसलमान भाई सरस्वती की पूजा नहीं करते, क्या वो विद्वान नहीं होते, वो आईएएस आईपीएस नहीं होते। ये मान्यता है कि लक्ष्मी जो है मैंने धन की देवी है, जो लक्ष्मी की पूजा दीपावली आ रही है, अब लक्ष्मी की पूजा होगी तो धन मिलेगा, क्या मुसलमान भाई लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, अरबपति खरबपति मुसलमान भाई नहीं है। अब बताइए ये मान्यता है बजरंग बली ताकत प्रदान करते हैं, शक्ति वाले देने देवता है, तो क्या जो मुसलमान भाई या क्रिश्चियन लोग जो है कि नहीं करते मैंने बजरंग बली की पूजा, अमेरिका में नहीं है बजरंग बली का मंदिर, तो क्या अमेरिका सुपर पावर नहीं है? ये मानने का चीज है, आप जब तक किसी को मान रहे हैं तभी तक है, जिस दिन मानना बंद कर दीजिए सब खत्म है। तो जैसे जैसे लोगों के अंदर तर्क शक्ति आएगी, जैसे जैसे लोगों का सोच प्राकृतिक वैज्ञानिक और सामाजिक होगा, वैसे वैसे ये सब बीमारी खत्म होगी। वहीं भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि सबों की अपनी अपनी सोच है, कोई किसी भी भगवान को अपना आदर्श मान सकता है। साथ इन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट करती है और आज धर्म को लेकर यह कोई बयान नई बात नहीं है, लेकिन ललन पासवान की अपनी सोच है। देखिए वो ये होता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बोला जाता है, ये लोग जो साइंटिफिक युग है उसके हिसाब से, लेकिन हम लोग जो भारतवर्ष के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, हम लोग अभी भी भगवान को सर्वोपरि मानते हैं और उनको मान के जब घर से निकलते हैं तो मैं भगवती को गणेश भगवान को सबको प्रणाम करके घर से निकलते हैं। मैं तो मानता हूं और मेरे तरह 90% पूरे हिंदू पूरे देश में मानते हैं और इसे मानने में कोई हर्ज नहीं है, उससे शक्ति प्राप्त होती है। वहीं गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि ललन मेरा बहुत जूनियर है, उन्हें धर्म को लेकर विवादित बयान नहीं देना चाहिए। हिंदू का धर्म के प्रति अलग निष्ठा और आस्था है, मुस्लिम का अपने धर्म के प्रति अलग निष्ठा और आस्था है, किसी भी धर्म के प्रति कोई विवादित बयान देना ठीक नहीं है। सबका अलग अलग धर्म होता है ना, मुस्लिम के भी कोई है ऊपर तो उनका पूजा करते हैं, अल्लाह का पूजा करते हैं। बीजेपी विधायक पर सवाल उठ रहा है कि वो धार्मिक विवादित बयान दे रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए वो बहुत जूनियर हमसे है, नए जीत क्या है, क्या बयान दिया नहीं है उसके अथिम, क्या कंपेरिजन में बयान देंगे, क्या लोगों की मानसिक धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा सर? हाँ हाँ ठेस तो पहुँचवे करेगा, क्या जरूरत है? हम लोग का अलग धर्म है, उनका अलग धर्म है, वो अलग पूछते हैं, जो उनका धर्म है उसका पूजा करते हैं, हमारा जो धर्म है हम लोगों का ढेरी देवी देवता है, हम लोग अपना पूछते हैं, इस पर टीका टिप्पणी करना ठीक बात नहीं। छठ पूजा में महज कुछ दिन शेष बचे हैं, इस वर्ष छठ व्रतियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल गंगा के जलस्तर में जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में छठ घाटों पर जगह कम पड़ रहा है, साथ ही घाट खतरनाक होते जा रहे हैं। जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है, जिला प्रशासन पूजा को लेकर छठ घाटों की तैयारी नहीं कर पा रही है। भागलपुर के बरारी पुल घाट पर हजारों छठ व्रती पहुँचते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, यहाँ सीढ़ी के ऊपर पानी पहुँच चुका है। वहीं शहर के बूढ़ानाथ घाट, मानिक सरकार घाट, बरारी सीढ़ी घाट समेत कई घाट जलमग्न है। दूसरी तरफ जलस्तर घटता भी है तो जिला प्रशासन के सामने घाट को तुरंत सुदृढ़ करने की चुनौती उत्पन्न होगी, साथ ही व्रती को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। घाट अगर सही नहीं हो सकेगा तो व्रतियों को कृत्रिम तालाब में सूर्य को अर्घ्य देना पड़ेगा। जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने बताया कि कार्यपालक अभियंता व अधिकारियों को छठ पूजा की तैयारी को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभी गंगा के जलस्तर भागलपुर, कहलगांव, सुल्तानगंज,
हर जगह बढ़ रहा है। ऐसे में 3 दिन हम इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद निरीक्षण व बैठक कर आगे का निर्णय लेंगे। घाट अगर खतरनाक होता है तो उस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। देखिए, हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है, जितने भी कार्यपालक पदाधिकारी हैं और भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त को, जो SOP के हिसाब से सारी तैयारियां होती हैं छठ पर्व को लेकर के, वो सारी तैयारियां करने के लिए और इस दिशा में कार्य भी किया जा रहा है। लेकिन अभी जो करंट जो परिस्थिति है उसमें हम लोगों को अभी 2-3 दिन जो है हम लोग वेट कर रहे हैं, वॉचफुल हैं, क्योंकि गंगा नदी का जल स्तर भागलपुर, कहलगांव, सुल्तानगंज जो महत्वपूर्ण जो शहर है जहाँ भीड़ होती है, वहाँ जल स्तर में वृद्धि जो है परिलक्षित हो रही है और आगे 1-2 दिनों तक जल स्तर बढ़ेगा। पढ़ने की रफ्तार घटी है लेकिन अभी जल स्तर बढ़ेगा और उसके बाद फिर जो है रैपिड डिक्लाइन जल स्तर का देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग घूम करके देखेंगे और हम लोगों के जो प्रखंड अंचल स्तर के पदाधिकारी हैं, अनुमंडल पदाधिकारी, सब लोग लगातार हम लोग विजिट करके ये सुनिश्चित कराएंगे कि घाटों पर बेहतर व्यवस्था है। अगर किसी घाट को खतरनाक डिक्लेयर करना होगा तो वो भी हम लोग उस संबंध में 3-4 दिन के बाद डिसीजन लेंगे कि अगर जल स्तर में वृद्धि होने से किसी तरह का घाट में अगर कोई इस तरह की असुविधा श्रद्धालुओं को हो सकती है, ये अगर हम लोगों को अंदेशा होगा तो उसको हम लोग खतरनाक भी डिक्लेयर करेंगे। अन्य जो भी व्यवस्था होती है SDRF की प्रतिनियुक्ति, नाव, गोताखोर, लाइट, साफ सफाई, ये सब सारी व्यवस्थाएं सब समय हम लोग सुनिश्चित करेंगे। पूरे सूबे के साथ भागलपुर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सभी अस्पताल में बेड मिलने मुश्किल होते जा रहे हैं। वहीं पुलिस लाइन के बैरक की स्थिति भी काफी दयनीय है। उसी बाबत वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने पुलिस लाइन के बैरक का निरीक्षण किया, जिसमें महिला बैरक के साथ साथ पुरुष बैरक और पूरे पुलिस लाइन का घूम घूम कर निरीक्षण किया गया। बिहार में लगातार बढ़ते डेंगू मरीजों की संख्या को देखते हुए पुलिस लाइन में साफ सफाई की व्यवस्था को देखने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक पहुंचे थे। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि साफ सफाई की व्यवस्था जिस तरह से होनी चाहिए वैसी नहीं है, इसलिए सभी जवानों को निर्देश दिया गया कि कमेटी गठित कर साफ सफाई पर ध्यान दें और अपने से भी पुलिस लाइन को साफ करें, जिससे डेंगू के प्रकोप से बचा जा सके। डेंगू को लेकर साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है, खासकर पुलिस लाइन में, सभी बैरक में, आवास में, तो यहाँ बैरक का निरीक्षण अभी किया है, साफ सफाई में कुछ कमी नजर आई है। इसके लिए जो हमारे यहाँ जवान रहते हैं उनको निर्देश दिया गया है कि वो खुद इस बैरक की मैनेजमेंट कमेटी बनाए, उनमें से ही 5 लोग रहेंगे जो डेली साफ सफाई, रख रखाव, बिजली, पानी, सब चीजों को देखरेख करेंगे। भागलपुर के सदर अस्पताल परिसर के अंदर चल रहे अवैध रूप से शौचालय को जगदीशपुर की रेवेन्यू ऑफिसर और पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष सील कर दिया गया। सिविल सर्जन भागलपुर के द्वारा जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया था, जिसमें शिकायत की गई थी कि अवैध रूप से चल रहे शौचालय से अस्पताल परिसर में गंदगी फैल रही है, जिसकी शिकायत पर जगदीशपुर अंचल के रेवेन्यू ऑफिसर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की और शौचालय चला रहे व्यक्ति से कागजात की डिमांड की, लेकिन कोई कागज शौचालय कर्मी के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा शौचालय को सील कर दिया गया। उन्होंने कि अवैध रूप से चलाया जा रहा है शौचालय के संचालक के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अस्पताल की तरफ से शिकायत आई थी कि अवैध रूप से चल रहा है, पेपर की डिमांड किया गया, इनसे पेपर नहीं दिए, इसलिए अब सील करने यहाँ पे आए हैं। अभी यहाँ वर्तमान क्या स्थिति लग रही है? वर्तमान में यहाँ पे यह था कि इस शौचालय की वजह से अस्पताल का जो कैंपस है वहाँ पर गंदगी फैल रही थी, जिसके लिए अस्पताल ने शिकायत किया था, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज क्या करेंगे? पेपर का मांग किया गया, पेपर नहीं उपलब्ध करा है, हम इसको सील करने जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष अब मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा किए गए मतदान में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को करारी शिकस्त दी है। नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने समर्थकों को दिल से धन्यवाद दिया। बताते चले कि 24 साल बाद पहली बार हुआ जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से हैं। वहीं बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सहभागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि उनके नेतृत्व में हम लोग अच्छा काम करेंगे और उम्मीद है हम लोग जल्द से जल्द नई रणनीति बनाकर केंद्र में भी अपनी सत्ता को हासिल करेंगे और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार खत्म करने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती थी, हमेशा गांधी परिवार से थोपे जाते हैं। मैं तो आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि साहब उन्होंने यह कहा कि कोई भी गांधी परिवार से नहीं बनेगा और चुना हुआ। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज आदरणीय
खड़गे साहब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जीत होती है। मैं उनको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ अपनी तरफ से भी और पूरे बिहार के सभी विधायकों सभी कांग्रेसजनों की तरफ से बधाई देता हूँ। और लोकतंत्र में हम लोग भी चुनाव जैसे विधायक लड़ते हैं सांसद लड़ते हैं एक की जीत होती है और हार होती है। इसका हार का मतलब ये नहीं है कि कोई कमजोर है कोई मजबूत है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम चाहेंगे कि थरूर साहब भी जो चुनाव लड़े वह भी मिलजुल के कांग्रेस को पूरे देश के पैमाने मजबूत करें और फिर से दिल की गहराई से पूरे बिहार के कांग्रेसजनों की तरफ से मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए दिल की गहराई से पूरा धन्यवाद देता हूँ पूरी शुभकामना देता हूँ कि अब कांग्रेस को 2024 में इतना मेहनत करवाइए सब लोगों से कि गद्दी पर हम लोग कांग्रेस की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंके। नहीं मैदान देखिए चुनाव है, आपको याद होगा कि जब मैं पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ा विधायक का तो हम 18,000 वोट से जीते थे, इस बार हम बहुत कम वोट से जीते। तो ये हार जीत तो अधिक और कम से कोई दिखे कैसे नहीं, चुनाव में थे यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आदरणीय मल्लिकार्जुन हेगड़े साहब की जीत हुई है, उनको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं। भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले के रहने वाले अशोक झा के दो पुत्र 14 वर्षीय अंशराज और 12 वर्षीय अभिराज कल 12:30 बजे दिन में मध्य विद्यालय शंकर बाल विकास केंद्र जाने के लिए निकले और स्कूल जाकर वहां से बिना परीक्षा दिए ही निकल गए। शाम जब दोनों भाई घर लौटकर वापस नहीं आए तब लोगों ने खोजबीन की लेकिन कहीं भी दोनों बच्चों का पता नहीं चला, जिसके बाद पिता ने इसाकचक थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। वहीं बच्चे की अभी भी तलाश की जा रही है। पिता का कहना है किसी गलत आदमी के बहकावे में बच्चा कहीं नहीं फंस गया हो, इसको लेकर वो लोग चिंतित हैं। अब क्या बताएं सर, बेटा था तो याद करने वाला ही। क्या हुआ था पूरा कहानी ये हुआ, 12:30 बजे वो स्कूल के लिए यहाँ से निकला है, उसके बाद वो घर वापस नहीं आया है। स्कूल में पता किए, स्कूल में टीचर का कहना है कि स्कूल नहीं आया है, उसके दोस्तों से पता किया तो दोस्त ने बोला कि बाहर मिला था, हमसे 50 रुपया लिया है, उसके बाद क्या कहता है वो गया है, फिर वो घर वापस नहीं लौटा। हम सब जगह छानबीन कर कर के थक गए हैं, अभी तक हम इसाकचक थाना में रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तलाश कर रहे हैं उसको कि जहाँ कहीं हो सकता है कोई रास्ता मिले कि उस तक गया। तो फिर घर का चेक किए, घर में क्या है नहीं है कहाँ गया है, तो देखे एक बैग लेके गया है जिसमें कि एक नया सेट कपड़ा दोनों भाई लेके गया है, और बड़ा लड़का बोल यहाँ का पता चला बगल से गोतिया लोग से कि एक नया गया स्कूल ड्रेस में, एक गया सिविल ड्रेस में, एक गया है सामने रास्ते से, एक गया पीछे के रास्ते से, बड़ा लड़का गया सामने रास्ते से, छोटा वाला गया पीछे के रास्ते से। और ऐसी कोई बात घर में नहीं हुई थी जो कि वो इतना बड़ा कदम कभी उठाने के लिए सोचता, और हम कभी सोचे भी नहीं थे, कभी हम सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा कदम, इसलिए घर से निकलता था तो हमसे बिना पूछे नहीं निकलता था। हम मम्मी दादी घर जाते हैं तो बोलते हैं जाओ बेटा, या मम्मी छत पे जाते हैं तो जाओ बेटा। क्या नहीं सकते, रो जाता था पैदा भी, कल कोई नहीं आया, इन लोग से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ भी हो आ जाओ, कुछ नहीं पप्पा बोलेगा हमारे पास जाना, लेकिन घर चले आओ, हम दोनों भाई को खिलाएंगे और हम क्या कर सकते। क्या करता था पोता आपको? पैर में तेल लगाता था डेली नहीं, इधर 2-3 दिन से थोड़ा नहीं चल पाते थे, लहसुन तेल करके गरम करके लगवाते थे तो थोड़ा सा दर्द घटा था, लेकिन दर्द अभी भी ये चल नहीं सकते हैं, इतनी बड़ी पोती है, ये लोग पकड़ के लेटरिन ले जाती है। दोनों था कहिए कि जन्मदिन हो तो दोनों करे, यही दीपावली माँ नवम्बर माँ गप सप कखनो ने कुछ बोले, कल भेंट तक नहीं कर लगे स्कूल, परसू गेले तरसू गेले अल गेट खोल दादी, गेट खोल लिए कपड़ा लत्ता बदल के सब चीज खाए ले, भूख लगल छो खाए ले, एकदम रात भर बेचैन छी कि लगे कन्ने से गर जाए दादी गेट खोल
कहीं नहीं पता। रात भर बेचैनी में रलो छी। एक बार ने दोनों बार छोट को कुछ नहीं बोले, बड़ को कुछ नहीं बोले। एकदम चिंता से दिमाग खराब हो रहा छी। चारों बगल संबंधी खोज मार लो छी, कहीं नहीं पता चली रहो छी। सब देवी देवता कबूलती करे छी कि देवी देवता सब सहाय हो। अभी जे बच्चा दोनों ने मार डंगों ने पढ़े लिखल कुछ नहीं कब हो रहा है घरों में। परीक्षा रे टीवी देखे गई रे दोनों, किताब देख टीवी कतिल देखे छगनी किताब देख परीक्षा दे जय भाई। परीक्षा देख सीधा घर आबी जी, कहीं ने कल तक कोई पते ने, परसू अले तरसू भी अले उधर गेले अले ठीके ठाक, लेकिन कल कौन माथा हो गए कि दोनों गायब हो गए। की नाम थे दोनों के? एगो अंशराज एक ठो अभिराज। बिहार सरकार के द्वारा प्रदेश के कई जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जिसमें भागलपुर भी शामिल है। भागलपुर की सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में मजदी पंचायत के सैकड़ों किसानों ने मजदी पंचायत को सुखाड़ घोषित किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान DCLR रविकांत सिन्हा, अपर अनुमंडल दंडाधिकारी अनु कुमारी, BDO मनोज कुमार मुर्मू, CEO शंभुशरण राय ने हंगामा कर रहे किसानों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए मामले को शांत कराया। वहीं मजदी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य राजेशविंद ने बताया कि मजदी पंचायत को सुखाड़ घोषित किया गया है। मजदी पंचायत के सभी किसानों का फसल सूखा होने पर बर्बाद हो गया है, लेकिन सुखाड़ घोषित नहीं होने पर किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा, इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। DCLR रविकांत सिंह ने आश्वासन दिया कि मजदी पंचायत की जाँच कर सुखाड़ घोषित किया जाएगा। इस दौरान मजदी पंचायत के किसान अरुण कुमार, शंभू प्रसाद यादव, ओम प्रकाश विंद सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। उड़ाडी मजदी पंचायत से जमीन जुड़ा हुआ है, लेकिन असिया चक उड़ाड़ी सुखाड़ घोषित मस्जिद वहीं कुछ नाम नहीं पता, जबकि असिया चक प्राउड पड़ती है, मस्जिद प्राउड पड़ती है, उड़ाड़ी प्राउड पड़ती है, मस्जिद प्राउड पड़ती है, जबकि दोनों का जमीन एक अरिया मिला हुआ है, प्लाट अभी भी धरा हुआ है। देख सकते हैं कि हम लोग सुखाड़ से प्रभावित हैं। हम लोग को मात्र में 10-15% फसल रुपाया है धान, उसके बाद ऐसे प्यू प्राउड पड़ती है। कितने किसान हैं जो सुखाड़? लगभग हम लोग सभी किसान पूर्ण रूप से प्रभावित हैं सुखाड़ से। मस्जिद पंचायत जी क्या? और भी पंचायत है, लेकिन मैं अपना मस्जिद पंचायत के लेकर आया हूँ। मस्जिद पंचायत पूर्ण रूप से सुखाड़ से प्रभावित है। स्पॉट अभी भी देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं, स्पॉट अभी भी देख सकते हैं।